हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा स्मॉल वर्ल्ड। एंड आज का जो वीडियो है वो है शॉर्ट टॉप्स हॉल फ्रॉम मीशो। हालांकि थोड़े से महंगे हैं, इतने भी सस्ते नहीं है, बट कुर्ते भी इतने अच्छे मिले हैं कि आपको देखते ही पसंद आ जाएंगे। अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे वाले हैं, प्रिंट वाइज, फैब्रिक वाइज बहुत अच्छे हैं, लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल पे, तो आपको इनमें से या फिर कोई और प्रोडक्ट मीशो से खरीदारी करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप मेरा दिए गए रेफरल कोड जो स्क्रीन पर है वो आप यूज कर सकते हैं। और ये यूज करने पर आपको 200 रुपए तक की सेविंग होगी। और ये सेविंग तभी होगी जब मेरी दी गई हुई मीशो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे डाउनलोड करेंगे और उसमें मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, तो आपको 200 रुपए तक की सेविंग होगी। और ये मौका आप गवाएगा मत, ये एक ही बार मिलता है, यूज कर लीजिए। और आइए चलते हैं जल्दी से वीडियो की और चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे टॉप्स के प्राइस में वीडियो में दे दूंगी और इसकी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो आप वहां जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कुर्ता है जो देविनम ब्रांड का है और इसका कलर है ब्लू, इंडिगो प्रिंट में है। इस तरह का कुर्ता दिया हुआ है, इंडिगो प्रिंट में है। और इसकी स्लीव देखे तो हाफ है, इस तरह की स्लीव दी हुई है। और इसका नेक इस तरह का है, इस पर ना पाइपिंग दी हुई है, आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। इस तरह की इसकी प्रिंट है, बहुत ही प्यारी अच्छी वाली प्रिंट है। और इसका जो बात करें तो मुझे कैसा लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। ये वाला कुर्ता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पता नहीं मुझ पे सूट ही नहीं हो रहा है। और इसका नेक जो है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो मुझ पे कुछ अलग सा ही लग रहा है, तो मुझे ये वाला कुर्ता नहीं। बाकी इसकी बात करें तो ये फैब्रिक वाइज, क्वालिटी वाइज सब कुछ अच्छा है, बट पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। वो इस तरह का कुर्ता है ऊपर से लेके नीचे तक, और नीचे इस तरह का घेर दिया हुआ है। इंडिया शॉर्ट कुर्ता है बड़ा अच्छा, बट पता नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये कली कली दी हुई है इस तरह की, ये देखिए इस तरह की कली कली दी हुई है इस जॉइंट है, और इस तरह की स्लीव है, शायद इसलिए मुझ पर ये सूट नहीं हो रहा। एंड ये वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, अच्छा है बट मुझे पसंद नहीं आया है। तो और ये कॉटन फैब्रिक में है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझ पे सूट ना हो रहा हो, वो आप पे ना हो रहा है। और इसको मैंने ना लेगिंग्स के साथ वेयर किया है, ब्लैक लेगिंग्स के साथ वेयर किया है। अगर आप चाहे तो इसमें व्हाइट प्लाजो या फिर आप व्हाइट ट्राउजर, ऑफ व्हाइट या व्हाइट ट्राउजर होगा तो आप उनके साथ भी वेयर कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा एंड ये बहुत अच्छा उस पर लुक देगा। तो आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। सेकेंड जो टॉप है हमारा वो बंदेज का है, इस तरह का बंदेज का श्रग है, टॉप नहीं कहूंगी, ये श्रग है। एंड इस तरह का श्रग दिया हुआ है, आप देख लीजिए स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरह का ये इस तरह का बंदेज का श्रग है। और ये सिफोन फैब्रिक में है, पिंक कलर में ये कुर्ता दिया, श्रग दिया हुआ है। एंड इसकी जो बात करें, इसकी 3/4 स्लीव है, ये बड़ा लंबा कुर्ता है, शॉर्ट नहीं है, ये श्रग काफी लंबा श्रग है। एंड इसकी जो बात करते हैं तो ये जो कॉलर दिया हुआ है, ये कॉलर काफी हार्ड है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार वॉश करेंगे और इस पे क्रीज आ जाएगी या फिर बेंड हो जाएगा, ऐसा वाला नहीं है। काफी हार्ड वाला जो ये कॉलर दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है, काफी बार होता है कि आप कुछ कपड़े को वॉश करते हैं और वो कपड़ा ना कॉलर दिखता ही नहीं है, वॉश करने के बाद वो कॉलर दिखता ही नहीं है और क्रीज हो जाती है, बेंड हो जाता है, बट मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा। काफी हार्ड वाला है इसका ये जो कॉलर है, तो अच्छा रहेगा ये पहनने के बाद। और इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल भी कर सकते हैं, इसको आप जींस के साथ वेयर कर सकते हैं, इसको आप एक स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हैं, इसको आप साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, हालांकि मैंने नहीं किया है, बट आप साड़ी के साथ भी मिक्स एंड मैच करके टेस्ट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा तो पहनना वरना नहीं पहनना। बट मुझे अच्छा लगा, श्रग बहुत अच्छा है। आप इन थर्ड जो कुर्ता टॉप्स है वो इस तरह का ग्रे ईयर और ग्रीनिश शेड पे है और ये बड़ा अच्छा कुर्ता है। एंड इसका जो नेक है वो भी कॉलर नेक ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये है किपेक ब्रांड का है, आपको दिख रहा होगा, ये किपेक ब्रांड का है। एंड इसकी जो स्लीव है 3/4 स्लीव है और स्लीव पर इस तरह की पैटर्न दी हुई है, ये जो टेजल दिए हुए है वो आप टाई करके फिट करके इस तरह से आप बना सकते हैं, और यहाँ पे आप इस तरह से टाई करके अच्छी सी स्लीव पे पैटर्न बना सकते हैं, इस तरह की जैसे मैंने बनाई। और इसके जो नेक पर आपको ये रेड कलर के पोटली बटन दिए हुए, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बट ये पोटली बटन ना ऊपर से दो ही खुलते हैं, बाकी के शोके हैं। और ऊपर से ये पेम्पलन टॉप है, ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह का दिया हुआ है, नीचे भी इस तरह के पोमपोम दिए हुए हैं, बड़े अच्छे पोमपोम दिख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और ये कुर्ता भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसको आप जींस के साथ वेयर कर सकते हैं, और ये कॉटन फैब्रिक में है तो जींस के साथ वेयर कर सकते हैं, स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। और मैंने काफी कुर्ते डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में वेयर करने की भी कोशिश की है, कुछ मिक्स एंड मैच किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बिकॉज जब मैं आज
इस बार मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ नया दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो लाइट नहीं होती तो कुछ थोड़ा सा बेक्षर होता है। तो मैंने सोचा टेरेस पर बनाती हूँ, पर दोपहर के 2 बजे मैं टेरेस पर गई थी शूट करने के लिए एंड मेरी हालत खराब हो गई थी, बहुत बड़ी खराब हो गई, क्योंकि इतनी धूप में ये 8 कुर्ते वेयर करके वापस घर नीचे आना, वेयर करके जाना, ऊपर वापस से शूट करना, वापस नीचे आना, वापस बदलना, वापस शूट करना, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और रात को मैं 8 बजे ही सो गई, इतनी हालत खराब हो गई और सर दर्द करने लगा इतनी धूप में। मेरे हस्बैंड ने डांटा भी मुझे, और प्लीज आप मेरे फेस को मत दिखेगा क्योंकि गर्मी की वजह से ना वो काजल वगैरह सब कुछ मैसा हो गया, मैंने वो कुछ देखा ही नहीं। बट मैंने सोचा कि कुछ नहीं, कुर्ता अच्छा दिखना चाहिए, जो है प्रॉपरली वो आपको दिखे, बस यही कोशिश थी। और प्लीज आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और आई चलते हैं, 4th कुर्ता है हमारा, वो भी बहुत प्यारा। 4th कुर्ता हमारा शागा ब्रांड का है एंड ब्लैक कलर का है ये वाला कुर्ता। शायद और भी यूट्यूबर्स ने अमेजोन की ऐप से दिखाया था एंड ये वाला मैं मीशो से दिखाने वाली हूँ। इस तरह का कुर्ता है एंड देखिए इसका नेक, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मुझे देखते बहुत ज्यादा पसंद आया था। ये देखिए इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की हुई है गले, इसका नेक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतना अच्छा वाला इसका नेक है, ऊपर से लेके इस तरह का नीचे से कुर्ता दिख रहा है। इसका भी कॉलर नेक है और यहाँ इस तरह के बटन दिए हुए, सारे बटन ओपन हो रहे हैं, शोके नहीं है। और इसके स्लीव पर भी इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है मल्टी कलर में और ये कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है। और नीचे देखेंगे तो आपको ये पॉकेट जैसे यहाँ पे दिख रहे होंगे, पॉकेट जैसे ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये पॉकेट नहीं है बट ऐसे ही सिर्फ इसकी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। कल की वजह से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और इस तरह की दोनों स्लीव पर इस तरह का वर्क दिया हुआ है। और इसकी बात करूं तो ये जब फर्स्ट बार आया तो मुझे लगा ये देख रहे हैं आप सी थ्रू है, बट पहनने के बाद नहीं लग रहा है सी थ्रू। बट ऐसा वाला ये कपड़ा है कॉटन में, बट बहुत ही ज्यादा कुछ अलग सा ही कपड़ा है, कॉटन में है, बहुत अच्छा वाला कॉटन है। बट मुझे लगा कि ये सी थ्रू, ये ऐसा वाला कपड़ा है, मैंने सोचा ये फट नहीं जाएगा, मैंने ऐसे करके देख भी लिया, बट ये अच्छा वाला कपड़ा है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है पहनने के लिए। गर्मी में भी आप इसको पहन सकते हैं, हालांकि कलर ब्लैक है बट आप वेयर कर सकते हैं, आपको गर्मी बिल्कुल नहीं होगी। ये वाला अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है नेक वाला, तो इसकी और एक पी सेलर थे जिसने ये बेचा है। और इसका जो ये कलर है अंदर, आपको जो लाइट पिंक कलर में जो दिख रहा है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस कुर्ते में। और दूसरी ब्रांड का भी है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा वो पसंद आता है ये पसंद आता है। मैंने तो ये लाइट पिंक कलर दिख रहा था ज्यादा इसमें, तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा कि ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको वो पसंद आता है तो वो भी ले सकते हैं। इसको मैंने स्कर्ट के साथ भी वेयर किया, हाँ भूल गई मैं स्क्रीन पर, इसको मैंने आपको स्कर्ट के साथ भी वेयर किया है, आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अच्छा स्कर्ट के साथ भी वेयर करने की ट्राई की है, इसको आप जींस के साथ वेयर कर सकते हैं। इसके नीचे आप क्रीम कलर का ट्राउजर पहनेंगे या फिर वो खादी कॉटन में जो आता है ना वो प्लाजो वगैरह वो पहनेंगे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से इसे भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह का कुर्ता दिया हुआ है, ये है दर्जानिया ब्रांड का है और मेरी साइज सब में एल है। कुछ में मुझे एम मंगवानी चाहिए थी, कुछ में मुझे एल मंगवानी चाहिए थी, तो मैंने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, बहुत ज्यादा गलती कर दी है। ये वाले में मैंने एक्सएल मंगवा ली बट मुझे इसमें एल हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, बट मैंने पता नहीं हो जाता है क्योंकि मैं वेट लूज कर रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा वाला, थोड़ा सा वेट लूज हुआ है तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी साइज मंगाओ। और मेरा ऐसा है कि दोनों की बीच में ही साइज आती है मैं। और ये वाला कुर्ता है दर्जना ब्रांड का है, ये देख लीजिए आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने एक्सेल मंगवाया, बट आपकी जो भी प्राइस, आपकी जो भी साइज है वही मंगवाएगा आप। इस तरह का कुर्ता है, इसका कलर बहुत अच्छा है, 31 प्रिंट में है और इसके नेक पे आप देख रहे हैं इस तरह की जो दी हुई है, नेक पे इस तरह का दिया हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। एंड इसकी स्लीव है, स्लीव आप देख लीजिए इस तरह की है, थोड़ी सी नीचे आके वो बलून टाइप हो रही है, बहुत ही अच्छी वाली प्रिंट स्लीव दी हुई है, पूरा प्लेन ही है। और नीचे इस तरह की पम्पम दिए हुए कॉटन फैब्रिक में है, बड़ा अच्छा वाला कुर्ता है। और इसको भी आप जींस के साथ, व्हाइट ट्राउजर के साथ या फिर व्हाइट प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा अच्छा कंफर्टेबल वाला कुर्ता है, ये भी बहुत अच्छा है। अब के जो कुर्ते दिखा रही हूँ, इसके बाद जो मैं कुर्ते दिखा रही हूँ, वो तीनों मेरे मोस्ट फेवरेट कुर्ते है, मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आया। 6th कुर्ता है हमारा, वो है देसी गर्ल का मेट्रो फैशन का है, देसी गर्ल का मेट्रो फैशन का है और ये बहुत प्यारा है, न्यूज़पेपर की प्रिंट में है, पेपर प्रिंट में है और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और ये पहनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है। और इसका
ये टॉप ना शर्ट टाइप से, और इसके जो ये कॉलर है ओपन है, वो ओपन शर्ट कॉलर कहते हैं ऐसा वाला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसकी स्लीव फुल है, फुल स्लीव में है ये, और आप देख रहे हैं फुल स्लीव में है, और ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह के बटन है, सारे बटन ओपन हो रहे हैं, ये सारे बटन ओपनेबल है, बहुत ही प्यारा कुर्ता है। और कमर पे ना इस तरह का टाई करने के लिए बेल्ट भी दिया हुआ है, ये देखिए आपको ये दिखा देती हूँ, ये हुक दिया हुआ कमर पे, पर मेरी इसमें एक प्रॉब्लम हुई है, ये हुक टूटा हुआ आया है इस तरह से, बट कोई नहीं, मैं इसको घर पे सिलवा लूंगी, बट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। इसमें बहुत सारे कलर भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये हुक टूटा हुआ है, और उनके साथ इस तरह का बेल्ट दिया हुआ है जो आप कमर पे टाई कर सकते हैं। एंड ये वाला कुर्ता मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, पीच कलर में मैंने लिया है, आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगी आप डेफिनेटली लीजिए, इसे बहुत ही अच्छा वाला कुर्ता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, प्लीज आप इसे बाय जरूर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। ये पहनने के बाद आप जो खुश होंगे ना, वो खुशी अलग ही होगी, तो आप इसे बाय जरूर कीजिएगा। ये वाला कुर्ता जो दिखा रही हूँ वो मैंने रिया दास की चैनल है, रिया दी की चैनल जो है, उनपे उसने इसका रिव्यू दिया था, और ये वाला कुर्ता उसने ना वो मिंत्रा से लिया था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, मुझे चेकआउट भी करना था, बट कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ये है कि पता नहीं मुझे महंगा लगा था क्या हुआ था, बट मैं मीशो में देखते देखते मुझे ये मीशो में मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये आया उसके बाद तो मैं और ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैं जैसा चाहती थी वैसा वाला ही मुझे मिला। ये देखिए इस तरह का कलर, इसका जो प्रिंट है इसमें कुछ कुर्ते में और कुछ नहीं है, बट इसका जो प्रिंट है और जो कलर है वो ही है, वो ही पहनने के बाद इतना प्यारा लग रहा है, माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हुई। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका नेक भी कॉलर नेक है, सारे कुर्ते के कॉलर नेक ही आए हैं, पता नहीं मैंने ऐसा देख के कभी नहीं लिया था, बट सारे कुर्ते के कलर कॉलर नेक ही आए हैं, और इस तरह की थ्री फोर स्लीव है, स्लीपर भी इस तरह का, ये जो ऊपर से आपको दिख रहा है ना, ये कपड़ा अलग से इस तरह की लेस लगाई हुई है, ये भी कॉटन में ही है, ये कपड़ा तो बहुत ही सॉफ्ट कॉटन में है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा, इसको आप इथनिक वेयर में भी वेयर कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा, फेस्टिव कुर्ता कलेक्शन में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा इसकी त्रिपोर्ट। और ऊपर से लेके नीचे तक आप देख लीजिए इस तरह का कुर्ता दिया हुआ है, और नेक पे छोटे छोटे पल्स और चतारी, या फिर आप टिक्की बोलते हो गए तो उसका, ये देखिए इसका वर्क किया हुआ है इस पे, अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और इस तरह की इसकी नेक पे देखिए इस तरह का, इसका नेक का बड़ा प्यारा नेक है इसका, इस तरह का नेक दिया हुआ है इसका, और इसकी क्रीज 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 जैसी नेक की डिजाइन है, और नीचे इसमें थोड़ी थोड़ी सी चुनर चुनर दी हुई है, आगे से देखिए थोड़ी थोड़ी सी चुनर चुनर जैसी दिया हुआ है, बड़ा प्यारा कुर्ता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साइड में थोड़ी सी स्लीव दी हुई है जैसी छोटी सी, और ये कुर्ता मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, ये भी मेरे फेवरेट कलेक्शन में एड है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लास्ट जो कुर्ता है एट कुर्ता, मुझे ये वाला कुर्ता भी माय गॉड बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये वाला तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। इसका जो प्रिंट है ना वो सब प्रिंट में ही है, इसमें और कुछ नहीं है, बट जो है वो प्रिंट में ही है, और भी प्रिंट में ही इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया। और देख लीजिए आपको दिखाई देती हूँ, इतना ज्यादा वेट करवाना कोई जरूरी नहीं है, ये देखिए इस तरह का इसका कॉलर नेक है, नेक इसके बटन दिए हुए हैं इस तरह के, बड़े अच्छे वाले डिजाइनी बटन है, देखिए कितना प्यारा बटन दिया हुआ है, इसका पूरा कुर्ता का लुक इस तरह का दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा कुर्ता है, ये देखिए कितना प्यारा कॉम्प्लेन टॉप में है, और बहुत प्यारा कुर्ता है, इसको आप फेस्टिव कुर्ता में भी एड कर सकते है, ये फेस्टिव कुर्ता ही लगेगा, इसमें कुछ है नहीं बट सिंपल सा बहुत प्यारा लगेगा। इसकी थ्री फोर स्लीव है, ये देखिए इसकी थ्री फोर स्लीव है, और आप नेक पे देखिए ये जो गोल्डन दिख रहा है ना वो थ्रेड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क किया हुआ है, ये देखिए गोल्डन कलर में एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क किया है, और इतना लगता भी नहीं है, और इतना इसका बड़ा अच्छा लुक लग रहा है, बहुत ही अच्छा वाला कुर्ता है। इसमें मेरी साइज एल है, बट इसमें मैंने एम मंगवाया था तो भी ये मुझे हो जाता आसानी से, थोड़ा सा लूज हो रहा है मुझे, बट इसमें एम मंगवाया तो मुझे अच्छे से फिट हो जाता, तो ये वाला कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया। और ये भी कॉटन में ही है, बहुत ही लचकदार है इसका कपड़ा, और कॉटन रियन कॉटन में है, प्योर कॉटन में नहीं है, रियन कॉटन में है, और इसका कपड़ा बहुत ही लचकदार है, और ये मुझे बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद आया हो ये, उनके बाद ये, और उसके बाद नहीं, ये बाद में नहीं, ये दोनों उसके बाद जो बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो आज का ये था हमारा कलेक्शन, और आपको मेरा ये कलेक्शन पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने फैमिली मेंबर है आसपास के जितने भी लोग हैं उसे शेयर कीजिए, उस तक पहुंचे कुछ हेल्प हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा, प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी कोशिश यही रहती है कि प्लीज आपको पसंद आने चाहिए,
और मुझे लगता है डेफिनेटली आपको इनमें से आएगा ही पसंद, ये कुर्ती सारा कलेक्शन इतना अच्छा है, आपको इसमें पसंद आएगा ही आएगा जी। एंड ये वाला लुक मेरा कैसा लग रहा है, यस मैंने हेयर कटिंग करवा दिया है, शॉर्ट करवा दिए, बहुत लंबे थे तो मैंने शॉर्ट करवा दिए है। ये वाला लुक कैसा लग रहा है प्लीज मुझे बताएगा जरूर। एक बात जरूर है कि नवरात्रि चल रही है और ये नवरात्रि ऐसे ही जा रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा कि नवरात्रि चली जाएंगी यार, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। पर हम सच बताऊं तो हम गुजराती लोगों के लिए ये बात थोड़ी सी ज्यादा टच होती है, क्योंकि हमारे लिए गरबा बहुत ज्यादा होता है। मतलब कहीं भी जाओ, कहीं भी आप गाना लगा दो, हम खेलने लग जाएंगे गरबे। मतलब ये हमारा फेवरेट फेस्टिवल होता है नवरात्रि, और ये नवरात्रि पूरी ऐसे ही जा रही है तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। कल की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, शूट की वजह से मेरी धूप में जो हालत हुई है अब सोच नहीं सकते, मेरा सर फटा जा रहा था डर से। एंड वो छोड़िए, वो तो हो जाएगी अच्छी है। आपको दिखाने से अच्छी दिखाने के लिए कोशिश की थी और हालत खराब हो गई मेरी। नया साल अच्छा हो हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। टाटा बाय बाय, आ जाओ।